क्योंकि सोपोर को हर सतह पे इग्नोर हर किसी ने किया है। जो भी आज तक यहाँ उन्होंने सोपोर को पीछे धकेल दिया है, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ये ऐसा होगा। मैं बहसीती एक उम्मीदवार सोपोर में खड़ा हो चुका हूँ बल्दियाती इलेक्शन में। मेरी नज़रों में इतना ही रहेगा कि मैं अपना वक्त लोगों के लिए सर्च करूँगा, और यही सोपोर के अंदर जो भी मुश्किलात सोपोर के लोगों को है उनको दूर करने की कोशिश करूँ। देखिए, जिस वक्त हम इलेक्शन करेंगे, यहाँ चेयरमैन कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सोपोर के अंदर ही एकोमोडेट हो जाए। इस वक्त मैं श्रीनगर में हूँ, अगर अल्लाह की मर्ज़ी की मैं चेयरमैन आ गया एतमाद से, इलेक्शन से, तो मैं सोपोर के अंदर ही एकोमोडेट रहूँगा, और हर किसी को जिसका भी कोई मतलब काम होगा उसके लिए मैं आगे आगे अपना वक्त। देखिए, सबसे पहले तो चेयरमैन को कम से कम पॉलिटिकल वाकफियत होनी चाहिए, सियासी बसीरत होनी चाहिए उसमें, जो इन कामों को निभा सके। कौन कि अगर मैं चेयरमैन आ गया तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सोपोर की सफाई, सोपोर के फुटपाथ, सोपोर के टांगाबान, सोपोर में किसी मखसूस जगह उनको कायम किया जाएगा। हर तरह की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। अपनी पार्टी यूनाइटेड जनता दल जो है, कहीं उसको किसी बात की मेरी तरफ से शिकायत ना।